नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति सांगवान। आज एक बार फिर से आदमपुर को लेकर बात करेंगे। क्योंकि आदमपुर के उपचुनाव में भव्य की जीत हुई तो पहली बार हरियाणा गठन के बाद पहली बार इस सीट पर इस हलके में कमल खिला। अब बीजेपी का दावा यह है कि आदमपुर सरकार के साथ चलेगा, ऐतिहासिक विकास होगा। उधर कांग्रेस का मार्जिन को लेकर कहना है कि देखिए कांग्रेस हारी जरूर है लेकिन मार्जिन को लेकर कहती है कि सरकार के साथ होने के बावजूद भी, भजनलाल परिवार से उम्मीदवार होने के बावजूद भी विनिंग मार्जिन कम हुआ है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। ऐसे में क्या कहता है कि उपचुनाव का परिणाम हरियाणा के आगामी सियासत पर क्या असर होगा, हरियाणा के राजनीतिक दलों के भविष्य पर इसका क्या असर होगा और आदमपुर की जनता को इस उपचुनाव से और सरकार के साथ जाने से क्या हासिल होगा, चर्चा हम करेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। आदमपुर के परिणाम के बाद अब सियासी बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। बीजेपी इसे सीएम मनोहर लाल और सरकार की नीतियों पर मुहर मान रही है तो कांग्रेस कम मार्जिन को लेकर बीजेपी और भजनलाल परिवार को घेर रही है। ऐसे में उपचुनाव में जीत के बाद नव निर्वाचित विधायक भव्य बिश्नोई समेत बिश्नोई परिवार ने सीएम से मुलाकात की। रोहतक में बीजेपी कार्यालय में ही मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अब आदमपुर का विकास होगा। भव्य जीत हुई है, बात सारी हो चुकी है, अब तो बात यह है कि भव्य को क्या जिम्मेदारी दे रहे हो आप? देखिए भव्य की बहुत जिम्मेदारियां हैं और ये जिम्मेदारियों से इसको कहीं दूर नहीं जाने देंगे। आदमपुर का विकास ये पहली जिम्मेदारी है इनकी। इस बात की जिम्मेदारी हमने भी ली है, भव्य ने भी चुनाव लड़ते से मिली है, कुलदीप जी ने भी ली है, ममता जी ने भी ली है, वहां के सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सब लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी है कि आदमपुर के विकास के बारे में जो एक समय जो भजनलाल जी ने वहां का विकास किया था और बीच में इतने वर्षों तक कांग्रेस के समय में एकदम ही खंडित रहा और केवल उस क्षेत्र के साथ इसलिए भेदभाव किया गया क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का एरिया था और कांग्रेस को शासन करने वाले लोग दूसरे थे। हमने अपने 8 साल में जो भी किसी एक विधानसभा में काम हो सकते वो सारे किए हैं। लगभग 600 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाएं हमारी उस क्षेत्र में पूरी हुई हैं या चल रही हैं। इसलिए अब जो काम है जो बचे हुए हैं और तेज गति से होंगे, लेकिन उस क्षेत्र को मैं समझता हूं आसपास के क्षेत्रों से भी आगे बढ़ाएंगे और ये जिम्मेदारी सीएम के लिए। राजनीतिक घराना बहुत बड़ा रहा है निश्चित तौर पर अपनी इनकी गुडविल है पार्टी में। इनके दुनिया से और भव्य की जीत से कितना कॉन्फिडेंस पार्टी का बढ़ा है? देखिए पार्टी ने चुनाव लड़ा है, डट करके लड़ा है। भव्य बिश्नोई हमारे प्रत्याशी थे और जब हम किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं तो वही कांग्रेस उम्मीदवार रहे जयप्रकाश इसे भव्य की नहीं बल्कि केवल बीजेपी की जीत बता रही है। ऐलान भी कर चुके हैं कि अगला चुनाव भी आदमपुर से ही लड़ेंगे। साथ ही जीत के कम अंतर को लेकर भी भजनलाल परिवार पर निशाना साधा। कोई कांग्रेस की वोट वोट नहीं है, नेता नहीं आ पाए कांग्रेस ना। सारे नेता यहाँ क्या करते हैं, जितने आगे काफी लोग यहाँ कांग्रेस के समर्थन में जो आपके समर्थन। नहीं 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 नहीं, देखो लोगों का फैसला ठीक है, कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि 10,000 वोटों से जीतेगी। चलो तो लोगों का फैसला मैडम हो गया, जब कांग्रेस क्या करेगी, कमी क्या रहेगी? भाई 2024 के लिए किस तरह की तैयारी? 2024 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल और आप पार्टी का सफाया हो गया। जो फिक्सिंग की राजनीति लोग करते थे, लोकदल वाले बीजेपी वाले, उसका खात्मा हो गया। तो 24 में हम सरकार बनाएंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस के कम मार्जिन से हार के दावे को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया और कहा कि ये जीत 2 या 4 हजार की नहीं बल्कि 15,000 से अधिक अंतर की है। 8,000 से नीचे दोनों का रहना एक चीज से साबित कर गया कि जनता सरकार के पक्ष में थी, गठबंधन को जनता ने ताकत दी है और 16,000 की जो ऐतिहासिक जीत है, मैं मानता हूँ एक नया आने वाले समय में आदमपुर की उन्नति प्रगति पर बैठी। जयप्रकाश का कहना है कि ये जीत भाजपा की है, ना जेजेपी की है, ना भजनलाल परिवार। मैं तो एक चीज बोलता हूँ, जीत किसी की, जीत जीत है और उसके अंदर जिस जिस का योगदान है वो हर वोटर को पता है। समुंदर पे बाल्टी भरे पानी से नहीं बनता, बूंद बूंद जुड़ती है तब जाके समझ। और वैसे ही
इलेक्शन भी एक एक वोटर के जुड़ाव से और संगठन के कार्यकर्ताओं के मेहनत से जीता जाता है। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पूरे मन से मेहनत भी करी और आज उसको निकाला। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस की हार को लेकर कांग्रेस पर वार किया। देखिए कांग्रेस एक समय बहुत ऐसी पार्टी थी जिसको हम प्रशासनात्मक निगाहों से देखते थे, कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को संभाल पाती थी। इधर चौधरी वीरेंद्र सिंह से, इधर राव वीरेंद्र सिंह जी थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला थे, चौधरी दलबीर सिंह थे, भजन लाल जी थे, बंसी लाल जी थे, लेकिन आज कांग्रेस का वो सामर्थ्य नहीं रहा। राव इंद्रजीत हमारे साथ आ गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ आ गए, धर्मवीर हमारे साथ आ गए, रमेश कौशिक हमारे साथ आ गए, कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ आ गए, तो कांग्रेस का वो सामर्थ्य नहीं बचा। और कांग्रेस ने खुद ये एक अपना डिजाइन बनाया है, एक जो अध्यक्ष हमारे जिले से आते थे उनको तो लठिया के विदा किया था जी। और एक अध्यक्ष को अपनी बॉडी नहीं बनाने दी। आप सोचो कोई प्रदेश अध्यक्ष बने उसको बॉडी नहीं बनाने दी जाए। तो ये डिजाइन जो नई कांग्रेस हरियाणा में उसने खुद तैयार किया है, ये उसी के परिणाम आ रहे हैं। जाहिर है आदमपुर के परिणाम पर सभी की निगाहें थी। बीजेपी ने इतिहास बनाया, जीत हासिल की, पहली बार आदमपुर में कमल खिला, तो साथ ही भजनलाल परिवार की जीत का इतिहास भी कायम रहा। लेकिन देखना ये है कि सभी दलों के लिए परीक्षा रहे इस उपचुनाव के परिणाम के मायने और प्रभाव आने वाले दिनों में क्या रहेंगे और क्या वाकई अब आदमपुर के लोगों के अच्छे दिन आएंगे। न्यूज डेस्क हरियाणा न्यूज। तो क्या कुछ सवाल रहने वाले हैं की रिपोर्ट आपने देखी। और एक खास पैनल हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता रजवन दहिनवाल, तो बीजेपी प्रवक्ता उमेश भाटी और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दीपक गहलोत जी हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। भाटी साहब, कितनी बड़ी उपलब्धि इसे मानते हैं, क्योंकि कमल तो कम से कम पहली बार खिला के आदमपुर में। हरियाणा प्रदेश की जनता को, आदमपुर की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने आदमपुर में कमल खिलाया है। दूसरी बात, क्योंकि ये विपक्ष का ही कहना है, मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा कि 2024 का आगाज होगा, तो निश्चित तौर पर ये 2024 का भी आगाज है। और ये जो जीत हासिल हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति और डिलीवरी ऑफ वर्क हुआ है 2014 से 2019 और 2019 से लेकर के इन तीन सालों में बीजेपी गठबंधन के साथ जो काम किया है, जनता ने उसको अपनी स्वीकृति दी है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से इलेक्शन के लिए तैयारियां की, बीजेपी गठबंधन हमारे साथ था और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए उनको जन जन तक पहुंचाया, भजन लाल जी का नाम हमारे साथ था, कुलदीप बिश्नोई जी उस परिवार से आते हैं जिसमें चौधरी भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, आदमपुर की जनता के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता था, वो सारे सब कुछ जो है बहुत मायने रखता था। और इन सब के लिए हम आदमपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बजरंग दास जी, कल आप डिबेट में मेरे साथ छठे राउंड तक थे, आप तब तक तो लगातार दावा कर रहे थे कि अभी बाजी पलट सकती है, कोई उलटफेर हो सकता है, ये तो वो राउंड है जिनमें भव्य ही मजबूत है, अगले जब राउंड की ईवीएम खुलेंगी, वोट काउंटिंग होगी, अगले बूथ पर हम जीतेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, हारे हैं आप लोग। और 15,000 का मार्जिन हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है इस सीट के लिहाज से, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। और सरकार जीत के भी आ रही है। अच्छा, आप देखिए 29,471 वोटों से के अंदर कुलदीप बिश्नोई जीतते थे, ये भजनलाल परिवार साथ में पूरी सरकार, भाजपा जेजेपी सारी लगने के बावजूद इनका वोट का जीत का ग्राफ 15,000 पहुंचा है। 29,471 वोट से पहले जीते, 15,000 कुछ वोट जेजेपी की आपके सामने आई थी, भाजपा कहाँ खड़ी है, सरकार कहाँ खड़ी है,
वो वोट कहां गई जब ये कहते थे आपकी बार 1 लाख पार मुख्यमंत्री जी घोषणा करते थे, सारे मंत्री घोषणा करते थे, यहां तक कि कुलदीप बिश्नोई बार बार कहते थे आपकी बार 1 लाख पार। जब ज्योति जी मैंने आपका इंटरव्यू देखा 3 तारीख को जब आपने इंटरव्यू लिया वोट पोलिंग के बाद कुलदीप जी का, कुलदीप जी ने कहा चौधरी भजन लाल जी 2005 के अंदर 72,000 वोटों से जीते थे और बब्बे बिश्नोई भी इससे ज्यादा मार्जिन से जीत प्राप्त करेगा। आपके चैनल मैंने खुद देखा, आपने खुद इंटरव्यू लिया, कहां गए 72,000 पार वोट। मैं कहना चाहता हूं मतलब सरकार हारी है कांग्रेस पार्टी। देखो आज जीत तो एक वोट की मानी जाती है, एक जीत से जो एक वोट से जीतेगा उसको भी जीत मानी जाती है, मगर जो प्रथम जीत का दावा करती थी सरकार कहां गई। मैं कहना चाहता हूं बहादुर आदमपुर की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने बड़ी मजबूती से वहां चुनाव लड़ा है। इससे एक संदेश जाता है जहां पूरा भजन लाल परिवार 54 साल से जिसका गढ़ था, साथ में सरकार भी लगी सब कुछ लग गया, उसके बावजूद ये उस आंकड़े को भी छू नहीं पाए जो 29,400 मैंने 71 की बात करी वो भी नहीं छू पाए। तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, आमने सामने की टक्कर होगी, पता लग जाएगा कौन कांखड़ है, इनके सामने पैर के नीचे जमीन नहीं पाएगी। आज मनोहर लाल जी लंबी लंबी बात करते हैं, ये हो गया जी वो हो गया, ये कहते हैं आज भी मैंने आपका इंटरव्यू देखा रोहतक की, जो उन्होंने बोल रहे थे हम मिलजुल कर आदमपुर में काम करेंगे। और पहले किसने रोका था, पहले सरकार थी, आप मुख्यमंत्री हरियाणा के हो, आप कहते हैं हमने समान विकास कार्य पूरे हरियाणा में कराए हैं, तो किसने आपका हाथ पकड़ा, किसने आपकी कलम पकड़ी, आप करवाते विकास कार्य, मगर झूठ का चश्मा, झूठी घोषणाएं, झूठे वायदे। मैं आपको ज्योति एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, आपके चैनल पर जनता ने कहा था भी आप 3 तारीख लंबी लंबी और लैन लगी माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों की, उन्होंने कहा था 8 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया, कुलदीप ने कोई काम नहीं किया, चौधरी भजन लाल जी ने खूब काम किए, खूब नौकरी दी उन्होंने अपने समय में, 17,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी चौधरी भजन लाल जी ने दी थी, मगर उन्होंने एक बात साफ भी कही थी भी काम नहीं हुए हैं, इब सरकार है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, वायदा की है, कुलदीप ने वायदा की है कि आगे हम 2 साल में कसर काट देंगे, हम इस बार तो वोट इनको देंगे, मगर अगली बार 2024 के अंदर इनको रगड़ा लगाएंगे। ये बात सभी ने, माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने और युवाओं ने आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया था, कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि कुलदीप बिश्नोई तो नहीं आते हैं जनता के बीच में, क्योंकि हमने बिना किसी एडिटिंग के लाइव उसे सुनवाया था। कुछ लोगों ने कहा कि कुलदीप फोन भी नहीं उठाते हैं, भावे भी लोकसभा का चुनाव लड़कर बाहर चले गए, लेकिन आप सुनिए नगर साहब, लेकिन ये भी कहा था कि हम सीएम से प्रभावित हैं, हम सीएम से प्रभावित हैं और हम सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे, ये फैक्ट है अपने आप में, ये लोगों ने कहा था हमारे चैनल पर। दीपक जी आपसे हम समझेंगे, देखिए जीत तो जीत है, इसको ना बदला जा सकता है और लेकिन इसको लेकर चर्चा की जा सकती है, ये सच्चाई है जिसको लेकर कांग्रेस भले ही कहती रहे कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस पर चर्चा और विश्लेषण भी जरूरी है कि वो परिवार जो कि लगातार 68 के बाद जीतता आया, उसी परिवार से अब उम्मीदवार थे, सरकार के साथ होने के बावजूद भी अपने मुकाबले पिछली बार के मार्जिन के मुकाबले कम मार्जिन से जीते हैं, जिसमें सरकार का भी वोट है, जिसमें भजनलाल परिवार का भी वोट है। जी चुनाव बड़ा शानदार रहा, परिणाम उससे भी ज्यादा शानदार रहा, मेरे कांग्रेस के दास जी भी खुश हैं कि मार्जिन घट गया, भाजपा वाले भी खुश हैं कि जीत गए। तो इसमें हमें एक तो ये देखना पड़ेगा कि भाजपा जी गर्ग साहब आवाज मिल रही है आपको, आवाज नहीं आई ज्योति जी, आवाज चलिए फोन हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गया होगा, हम देखते हैं अभी। ज्योति जी ये चुनाव सरकार पिछले मनोहर लाल जी पिछले 8 साल से सरकार में है
और इस उपचुनाव को इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि मार्जिन बेशक से घटा है लेकिन लोगों ने भाजपा के ऊपर मोहर लगाई है तभी वो जीत के आए। लोकतंत्र में सिर्फ नंबर गेम चलता है, जिसके नंबर्स ज्यादा चाहे वो वोट हो चाहे वो विधायक हो वो सरकार बनाता है, वही अपनी अगुवाई करता है। तो भाजपा जीत के आई है तो इससे एक तो ये चीज स्पष्ट होगी कि अगले चुनाव को अगर इस सरकार को भी देखें तो 3 साल बीत चुके हैं और 2 साल बाकी हैं, लोगों ने इंटरवल से आगे ये सिस्टम जा चुका है और फिर लोगों ने भाजपा को जिताया है तो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री से या भाजपा की और सीएम के ठीक 8 साल हो गए सीएम के 8 साल के कार्यकाल पर भी एक मोहर तो है ये क्योंकि माहौल ऐसा था कि इसमें कोई दोराई है ही नहीं, माहौल ऐसा था कि बिश्नोई परिवार में भी हार को लेकर या प्रदर्शन को लेकर कहीं ना कहीं तो एक डर था लेकिन सीएम ने जैसे ही कमान संभाली उसके बाद कॉन्फिडेंट नजर आए। इस चुनाव में काफी चीजें देखने को मिली, अब अपनी कमियों को भी सबको देखना चाहिए, जिसकी जो दूसरे की जो सफलताएं रही हैं उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। भाजपा ने संगठनात्मक रूप से बड़े शानदार तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, उसके अपने पूरे मैनेजमेंट को बड़े शानदार तरीके से संभाला। जब नॉमिनेशन की बात थी तो भाजपा और जेजेपी दोनों जो गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी तो जेजेपी की तरफ से कोई था नहीं, नॉमिनेशन वाले दिन निशांत सिंह जी आ गए थे लास्ट आए थे लेकिन उन्होंने जो एक्सक्यूज दिया था वो कोई मान्य एक्सक्यूज नहीं था कि ट्रैफिक की वजह से हो गया। लेकिन जब लास्ट रैली हुई है, लास्ट रैली में जिस तरीके से जेजेपी और भाजपा दोनों ने मिलके बहुत अच्छे तरीके से लोगों को संदेश दिया, दुष्यंत चौटाला ने युवाओं की आवाज उठाई और सीएम ने अपने जो जिस तरीके से जो भी योजनाएं उनको बतानी थी पिछली योजनाओं के बारे में बताया, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि मैं आगे क्या करूंगा, तो वो अपनी बात को जनता तक डिलीवर करने में सफल रहे। कांग्रेस की जो कमी रही इस चुनाव में, देखो नंबर्स घटे नंबर्स बढ़े इस चीज से तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हर बार एक ही नंबर तो नहीं रह सकता, हर बार नंबर बदलेंगे, लोग किसी बात से खुश होते किसी बात से नाराज होते, तो नंबर गेम हमेशा ही बढ़ता रहेगा मार्जिन, तो ये तो लोकतंत्र में संभव नहीं है और वही सेम नंबर रहेगा ये भी संभव नहीं है। मायने रखती है जीत क्या हुई है और उस चीज का आकलन सभी को करना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या हुए। अब स्टार प्रचारक ही नहीं पहुंचे कांग्रेस के, इसके पीछे कांग्रेस को देखना पड़ेगा, 7 साल से संगठन नहीं है, रणदीप सुरजेवाला स्टार प्रचारक थे वो आए नहीं, तो इस तरीके की जो अपनी कमियां रही है उन कमियों को देखेंगे तो इसको आगे और ठीक कर पाएंगे। ठीक है, चर्चा को आगे ले जाते हुए अभी उमेश भाटी जी, आपकी पार्टी पर आपके बड़े नेताओं पर, गठबंधन पर, आगामी चुनाव पर 2024 पर क्या असर आप देख रहे हैं इस परिणाम का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदमपुर की जो जनता है उसका तथा वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी और जनता जनता की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो जीत हम उम्मीद कर रहे थे उसके हिसाब से उन्होंने उस जीत को दर्ज किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं पिछली डिबेट में भी था, उससे पहली डिबेट में भी था, तो मैंने तो 110% ये बोला था, 100% से 110% भव्य चौधरी भव्य बिश्नोई जीत रहे हैं और बहुत भव्य तरीके से जीत रहे हैं। लेकिन जहां तक एक सवाल जो उठ रहा है बार बार, मैं अभी सुन रहा था कि मार्जिन की बात चल रही थी कि भाई मार्जिन कम हो गया। आप देखेंगे आम आदमी पार्टी जिस जोश खरोश से फील्ड में आई थी और जिस तरीके से केजरीवाल और मान साहब ने जिस तरीके से प्रचार किया तो हमारी उम्मीद थी कि शायद कुछ करेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन उनकी हवा इस तरीके से निकली कि वो समझ से ही नहीं आ रहा है कि उनका कहां तो वो कैडर वोट चला गया, कहां उनके कार्यकर्ता चले गए, तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए। सवाल के जवाब पर भी आइए ना, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं पर, गठबंधन पर, क्योंकि एक विधायक तो बीजेपी का बढ़ गया है अभी। हमें इनेलो से तो खैर उम्मीद नहीं थी क्योंकि दिग्विजय जी ने साफ कह दिया था कि 7,000 भी पार कर गया तो बहुत बड़ी बात होगी, हम जीत मान लेंगे अगर 7,000 पार कर गया, तो 7,000 के ऊपर 5,000 रुपए अटक के रह गए। तो ये जो दोनों पार्टियां थी ये कुछ भी नहीं कर पाए, जिसके कारण से ये मार्जिन, जो मेरा समझना है कि मार्जिन थोड़ा जो है वो कम रह गया, नहीं तो ये मार्जिन 50-55 हजार तक जाना था मेरे हिसाब से। लेकिन ठीक है, जीत तो जीत है और जीत के लिए सबको शुभकामनाएं। अब बात नहीं, इनका तो इलेक्शन शुरुआत से ही, दोनों ही पार्टियों का इलेक्शन शुरुआत से ही दिख रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा करने वाले हैं नहीं, तो 2024 का जो आगाज है जी वो दिख चुका है। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से गठबंधन है, और ये जो गठबंधन है ये मतलब दिल का गठबंधन है, ये
ऐसा नहीं है कि ये ऊपरी दिखावा है। और अभी अभी हमारे जो है विश्लेषक ने एक ही बात बोली कि दुष्यंत चौटाला जी अपनी मन की बात को युवाओं तक पहुंचाने में कामयाब रहे, और ये जो कामयाबी है युवाओं तक पहुंचने की दुष्यंत चौटाला जी की दिल की बात, यही कामयाबी जो है आने वाले 2024 में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में फिर से सरकार को बनाएगी। और हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं गठबंधन में मिलकर, ये एक अजीब सा दल बन चुका है, प्यार का जो है ना दल, दोनों दल एक अजीब सा बन चुके हैं, प्यार से बन चुके हैं, प्यारा प्यारा बन चुका है गठबंधन जो है ना। और इस प्यारे गठबंधन का जो आगे 2024 का जो आगाज है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और साफ दिख रहा है कि सरकार बनेगी दोनों की मिलकर, और हम नगर निगम भी चुनाव लड़ेंगे और आगे भी जो बड़े चुनाव है उनको भी हम मिलकर लड़ेंगे। तो ये एक कामयाबी है मनोहर जी का शांत प्रवृत्ति और दुष्यंत जी की युवाओं के अंदर जो पैट है, ये दोनों मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर फिर से सरकार बनाने। रजवंत जी, सबसे बिहार में पंचायती उम्मीदवार थे आपके, आप लोगों ने दावा किया कि पंचायत कर लोगों ने कहा कि इनको उम्मीदवार बनाइए, तो इन लोगों ने उनको टिकट दिया, 12 मिनट पहले आए उसके जस्ट बाद आप लोगों ने उनको टिकट दे दिया, लेकिन अपने गांव में भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। और शायद लोग तो ये भी मानते हैं, जानकार तो ये भी मानते हैं कि आपकी पार्टी की टिकट पर अगर नहीं होते तो शायद इससे बेटर कर सकते थे, निर्दलीय भी इससे बेटर कर सकते थे। नहीं ज्योति जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, जब पंचायत कोई भी निर्णय लेती है तो उस निर्णय को आज हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, वहां पर पंचायत के निर्णय को मानना पड़ता है। और जिस प्रकार से पंचायत का जो फैसला आया था, पंचायत ने कहा था कि भाई कुरडा राम जी को टिकट दे दो, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको टिकट दे दी। उन्होंने अपनी बात को भी वहां पर जनता तक पहुंचाने का काम किया है, और वो इसलिए क्योंकि वो वहां उनके संघर्ष के साथी हैं। वहां पर आदमपुर में अगर कोई व्यक्ति है जो आज भी, चाहे भले ही वहां पर लोगों ने उनको वोट ना दिया, मैं नहीं मान सकता कि ऐसी कोई वजह आई है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि भाई हम उनको निर्दलीय लड़ते तो वोट मिल जाते, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल भी पार्टी, जब उसका संगठन उनके साथ लगा है, मैं मानता हूं कि हमें वोट भले ही कम मिले हो, लेकिन आप एक ही चीज देखिए कि जो व्यक्ति जो सरकार में है वो जो 1,00,000-1,25,000 के पार जाने की बात कह रहे थे उनको भी वोट नहीं मिले। जो लोग आप सोच के देखिए, जब अकेले कुलदीप बिश्नोई ने जब वहां पे चुनाव लड़ा था तो उनके 63,393 वोट आए थे, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उनके साथ अगर उन्होंने लड़ा है तो उनका 67,000 वोट बैंक आया है। जो 34,000 भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक थी वो कहां गई, या 15,200 जो जेजेपी की थी वो कहां गई। इस चीज को हम अगर कहें तो ये तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई जी भी इस चीज पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाके भले ही मैं सरकार में साझी हो गया हूं, लेकिन लोगों की जो वोट मुझे मिलनी थी वो वोट मुझे वो नहीं मिल पाई, ये चीज है। दूसरी चीज, अभी हमारी हार के बारे में जेजेपी के प्रवक्ता जो चीज कह रहे थे, मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि हारते और जीतते वो हैं जो चुनाव लड़ते हैं, और हार जीत चुनाव में ही होती है, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो चुनाव लड़ते ही नहीं है और केवल बातें करते हैं। हम मैदान में रहते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, हमने 3 चुनाव आए, 3 चुनाव 2 में हारे हैं, 1 में जीत गए, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो 3 उपचुनाव आए और बार बार कहते हैं कि हम गठबंधन में हैं और उन्होंने चुनाव तक नहीं लड़ा, तो ये उन लोगों के लिए अच्छी बातें नहीं है। आपका मामला टिक चुका है, और मैं कल भी एक उसमें देख रहा था जो है ना डिबेट में, हरियाणा न्यूज में डिबेट थी, आपने अपनी बात कह दी, मैं नहीं सुन लो या आपको बोलना ज्यादा आता है तो हमारे बता दीजिए, आप बीच में डिबेट को इंटरप्रेट, आप क्यों, आप क्या चाहते हैं, आप डिबेट को गलत तरीके से क्यों इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों की समस्या क्या है। आप लोगों की समस्या क्या है, जब आपकी व्यक्ति रख पर उंगली लगाई जाती है तो आप चिल्ला उठते हैं, आप इन चीजों को चिंता करना पड़े कभी भी, आप हम मिलके लड़ रहे हैं ना, भाजपा और जनता मिलके लड़ रहे हैं, आपकी कहां पे लड़ाई लड़े हैं, आप तीन उपचुनाव हुए हैं, हम इस चीज पे गर्व से कह सकते हैं हम जनता के बीच में गए, हम चुनाव जीते भी हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप लोगों का काम केवल और केवल आगे 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 बढ़े, आपने नारा तीसरे में नारा लगाने का हक भी ले लिया था, वाली बात है, काबिले तारीफ वाली बात है, 2000 वोट पड़े हैं इन लोगों को, इन लोगों को चुप कराए, 3000 से 5000 पर आ गए हैं, अगर मैं तो पीछे आप दोनों अभी रुके,
बीजेपी नहीं, आप मेरे को तारीफ है, आप तारीफ हमारे लिए क्या तारीफ है क्या नहीं है वो ठीक है, लेकिन आप लोगों का सिर्फ इतना काम है कि बीच में बोलना, वो शायद आपकी एक आदत सी बनी हुई है। अभी अभी आप उस पार्टी की खासियत रुकी रघुवंत जी और आपकी रुकी पार्टी साहब, पार्टी साहब आपको वक्त दिया गया था ना, और किस पे लगाएंगे, आपको टाइम दिया गया था, आपने बड़े विस्तार से अपना उत्तर दिया, आपको नहीं टोका गया था, आपको किसी नहीं, आपको आपको टाइम दिया जाए ना तब आप जवाब दीजिएगा। अभी आपको आपका टाइम मिला जब जवाब दे दीजिए। आप भी रुके अभी भाटी साहब, हम बार बार कल भी हमने पैनल पर कहा कि सीएम के जाने से बड़ी मजबूती मिली बीजेपी उम्मीदवार को, बीजेपी ने बड़े मन से चुनाव लड़ा, लेकिन बार बार सवाल ये जरूर उठेगा कि वो परिवार जो बार बार जीतता आया हो, पिछली बार भी जीता था, अब तो चूंकि बीजेपी भी साथ थी, जेजेपी भी साथ थी, तो उसके बावजूद भी मार्जिन कम कैसे हुआ? क्या आप मान रहे कि भजनलाल परिवार की जो लाइकिंग पहले थी वो उतनी नहीं बची है अभी? जो भी देखिए, बड़े सच्चे और अच्छे मन से कुछ बातों को मानना पड़ेगा, जिसको विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। मैं अभी रजत जी को भी सुन रहा था, भजन दास जी को भी सुना, जैसे कोई खिसिया जाता है इस तरह की जो है ना, वो इनकी शब्दावली नजर आती है। देखिए मैं बड़ा सफर से एक बात कहता हूँ, ये मध्यावधि चुनाव था जिसमें जो बिल्कुल सामने अपोजिशन भी है और पोजिशन भी है, उसके बावजूद देखिए अब ये आकलन करना, पहली बात तो एक बात समझ लेनी की है कि जो संविधान के हिसाब से ये 51 और 49 का रेशो है, जिसका 51% वो विजयी, जिसका 49% वो हार गया, मतलब नहीं। देखिए एक दिन चौहान साहब भी आपकी पार्टी से, वीरेंद्र चौहान साहब भी थे, दो से तीन दिन पहले मैंने कहा कि अगर मार्जिन कम हुआ, सुनिए तो उनकी ओर से भी डेफिनेशन क्या गलत क्या है, सुनिए, आपको कैसे पता सुनने से पहले गलत है, उनकी ओर से डेफिनेशन सुनिए सर, आप नहीं सुनना चाहते। फिर उनकी ओर से कहा गया कि जीत तो जीत है, चाहे एक वोट से हो जाए, बिल्कुल ठीक है, ये तथ्यात्मक है, ये डेफिनेशन है जीत की, लेकिन एक बहुत, बजरंग दास जी भी थे उस दिन, एक भारी मतों से जीत, एक बहुत प्रचंड जीत, एक तरफा जीत, एक कांटे की टक्कर के बाद बड़ी मुश्किल से जीतना, बड़ी मुश्किल तो ये नहीं है, लेकिन ये मार्जिन पिछली बार के मुकाबले कम है, उस सीट पर जिस पर भजनलाल परिवार ऐतिहासिक तौर पर एक चुनाव को छोड़ दें तो हर बार जीतता आया है, उस सीट पर जिसमें सरकार ने पूरा दम लगाया, हालांकि हम इस बात को हर बार ऐड कर रहे हैं, चूंकि सीएम के 8 साल के कार्यकाल पर मुहर है, चूंकि ये फैक्ट है अपने आप में कि सीएम की रैली के बाद चुनाव बदला गया, युवाओं से जो संवाद किया गया उसका एक पॉजिटिव मैसेज गया है, लेकिन क्या परिवार की उतनी लाइकिंग नहीं है अब? नहीं देखिए, ये आकलन करना कि परिवार की अब स्वीकारोक्ति नहीं रह गई है, देखिए बार बार परिवार ने कहा कि हमारा परिवार कैसा नाता है, दूसरी बात ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है, दोनों पार्टियों ने मिलकर काम किया, कुलदीप बिश्नोई उनके परिवार का नाम साथ था, तो हमने विजय हासिल की है, अब इसको ज्यादा और कम में आकलन करना ये कोई बहुत अच्छी लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। आकलन तो परंपरा नहीं, चर्चा और विश्लेषण तो होगा, सारी बातों पर होगा। मैं अपनी बात ज्योति जी, ये सवाल आप पार की बात करते थे, वोट वो नहीं आई तो ये भी तो जवाब तो यही देंगे ना। रजत जी सुन लीजिए बीच में बिल्कुल ना बोलिए, आप सुनिए, आप रजत जी लंबी चौड़ी बातें करें, जेजेपी को चैलेंज करें, जेजेपी गठबंधन में था भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये जीत गठबंधन सरकार की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये जेजेपी की जीत है, और IMLD जिन्होंने 2000 वोट लिए वो चैलेंज करते हैं, और दूसरी बात ये उस काम की जीत है जो पिछले 5 सालों में और इन गठबंधन के 3 साल में जो काम किए ये उसकी जीत है, 100 बार विपक्ष कहता रहे उसका कोई अर्थ नहीं होगा, ये माध्यम ये तो आपने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी के आने के बाद एकदम वातावरण जो है परिवर्तन हो गया, बिल्कुल जैसे ही नेताओं की हमारी एक लंबी लिस्ट थी, सबने अपना अपना काम किया है, लेकिन उससे पहले तो मुश्किल थी, उससे पहले मुश्किल थी सर, उससे पहले कांग्रेस बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़ रही थी, बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस ने बना लिया था। ज्योति जी मैं एक बात कहता हूँ, सीएम खुद आए, कुछ नेताओं की जिम्मेदारी भी लगाई गई, वो भी ग्राउंड पर गए, उन्होंने कमान संभाली और उसके बाद जो चुनाव प्रचार के उसकी तस्वीर बदलती नजर आई, उसके बाद दिखा कि हाँ भव्य जीतेंगे। मैं ये कहता हूँ अगर कोई पार्टी किसी चुनाव को हल्के में लेती है तो समझो वो राजनीतिक सोच उनकी नहीं है, हर चुनाव अपने आप में देखिए, पहली बात तो परिस्थितियां हर चुनाव में बदलती है, इसलिए जो है दूसरी बात ये चौकी सरकार का
एक बहुत बड़ा फैक्टर, कहीं ना कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, कुछ लोग किसी बात से इतनी नाराज हो सकते हैं, कुछ लोग अपोजिशन जानबूझ के जो है इस तरह की तरह तरह की जो है अफवाह जो है भ्रम फैलाने का काम किया, लेकिन चल नहीं पाया। जनता ने उस भ्रम को एक सवाल है मेरा, और अपोजिशन आज भी आएंगे रजन जी आपसे भी नहीं खुलती तो कब आंखें खुलेंगी? ये तो ये बात आप ठीक पूछ रहे हैं कि कब आंखें कब खुलेंगी। सरकार के कामों की जीत है, माननीय मनोहर लाल जी की जीत है, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी की जीत है, दोनों पार्टियों के नेताओं की जीत है, एक एक कार्यकर्ता की जीत है दोनों पार्टियों की, इसलिए इसको दूसरे परिवार का नाम आपने भी नहीं लिया, आप भी परिवार का नाम छोड़ गए, कोई नहीं आगे बढ़ेंगे। अभी बजरंग दास जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, साथ ही मेरा सवाल भी ज्योति जी, ये ज्योति जी चौवन साल से जो परिवार, ज्योति जी मेरे एक छोटा सा एक चीज में कह देता हूँ, 54 साल से जो परिवार वहां पर सत्ता में बैठा है, वहां पर विधायक बनते आ रहा है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, ये क्यों नहीं मान रहे कि सरकार की कमी रही, कि उनकी जो वोट कम आई है, सरकार की जो 1,13,000 जो लगभग जो तीनों पार्टियों की जो मिलकर बैठ रही थी वो वोट का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई, और ये जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालते हैं, ये तो बताए ना इनकी वोट की कम क्यों आई है, कहीं ना कहीं जनता ने इनको भी तो नकारा है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हुए, हम ये कह रहे हैं कि सरकार, क्या पता सरकार के साथ आने से ही जीत हुई हो, बीजेपी की टिकट पर होने के चलते ही जीत हुई हो, क्योंकि इस बात को आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये होगा कि भजनलाल परिवार का वर्चस्व खत्म हो गया? वो तो मैं इलेक्शन में गई थी सर, मैंने देखा ग्राउंड पर क्या माहौल था क्या नहीं, हमने लोगों से बात भी की वो भी दिखाया गया, और डिबेट में रोजाना हम इस बात को लेकर चर्चा भी करते हैं। बजरंग दास जी, भूपेंद्र हुड्डा की और दीपेंद्र हुड्डा की, खास तौर पर बड़े हुड्डा की सबसे बड़ी परीक्षा ये थी, अभी पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव नंबर्स होने के बावजूद भी नहीं भेज पाए अजय माकन को राज्यसभा में, वो नहीं जीत पाए, और अब बाय इलेक्शन में जोर तो पूरा लगाया, डेरा डाल लिया गया आदमपुर में, तो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य या पार्टी में उनकी स्वीकार्यता को लेकर भी अब चर्चा होनी चाहिए कि उन पर क्या असर होगा, उनके आगामी राजनीतिक भविष्य पर क्या असर होगा। ज्योति जी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मैं बताना चाहता हूं, ये जो सरकार जीतती है ना, ये रेंग रेंग कर ये जीतती है। मेरे साथी बोल रहे थे कि ये सरकार की जीत है, धनखड़ जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, जेजेपी की जीत है, भजनलाल परिवार की जीत है। एक तो स्पष्ट कर दे, ये वोट किसकी है, ये भारतीय जनता पार्टी की वोट थी या ये भजनलाल परिवार की वोट है या जेजेपी की वोट है या सरकारी मशीनरी का जिसका दुरुपयोग किया उसकी वोट है, एक तो ये स्पष्ट कर दे भी किसकी वोट है। और दूसरी बात, जहां एक आपने सवाल किया भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो बात आपने की, ये एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, किस प्रकार कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। देखिए, जनता ने 2019 के अंदर जो विधायक बनाया कांग्रेस के नाम के वोट दिए थे, कांग्रेस का विधायक बना, मगर इन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सरकार के दबाव में ईडी और सीबीआई और ये अपने मानोगे आप इनकम टैक्स के दबाव में क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दी। मगर अगर इनमें इंसानियत होती कांग्रेस पार्टी इस्तीफा देता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर मैं कहना चाहता हूं, वो भी धोखेबाजी का शिकार उस टाइम कांग्रेस पार्टी हुई, और इस जो चुनाव हुआ इसके अंदर तो कांग्रेस पार्टी अच्छे वोट ले गई है, लगभग बात तो जीत और हार की है ना, ये मार्जिन को लेकर मैं बीजेपी से सवाल पूछ चुकी हूँ, मानता हूँ प्रश्न मैंने बीजेपी से किया क्योंकि उनको उत्तर देना है इस बात का, आपको इस बात का उत्तर नहीं देना चाहिए, क्या दस साल के सीएम की स्वीकार्यता हिसार में कितनी है, क्योंकि कमान तो उन्होंने संभाली थी, परीक्षा तो उन्हीं की थी, सारे नेता तो उनके साथ कैंपेनिंग में भी जाने को तैयार नहीं थे और नहीं गए साथ में। कमान संभाली थी वो मुखिया है, वो हमारे प्रदेशाध्यक्ष जूदेव हांजी प्रदेशाध्यक्ष है, और सीएलपी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो दो सीनियर नेता उन्होंने कमान संभाली, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर एक बात और, मेरे साथी ने कहा भाई जो स्टार प्रचारक थे वो नहीं आए, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र के 3 मंत्री नहीं आए, राव इंद्रजीत जी नहीं आए, गुज्जर जी नहीं आए,
भूपेंद्र यादव नहीं आए, यहाँ तक कि बिल्कुल साथ लगते जो आपके सीनियर धर्मवीर जो अपने वो सांसद वो नहीं आए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो अपने सांसद है वो राज्यसभा पूर्व के वो सांसद थे, पूर्व मंत्री थे, भाजपा के सीनियर नेता थे, वो नहीं आए। रतनलाल कटारिया नहीं आया, आपका रोहतक का सांसद वो अरविंद शर्मा नहीं आए। आप अपनी गिनाइए ना, आपके अनेकों नेता यहाँ प्रचार के लिए नहीं आए। हमारे दो तीन नेता अगर वो पद यात्रा के अंदर बात जोड़ो बीजेपी तरीके से चलती है, बीजेपी जो लिस्ट जारी करती है उसको सुनिश्चित भी करता है संगठन कि वो लोग जाएं कैंपेनिंग के लिए और वो जाते भी हैं। सबकी लिस्ट थी ज्योति जी, सबकी लिस्ट मैंने जो नाम गिना है, भूपेंद्र यादव का नाम था आपके सामने, रविंदर जी का नाम था और वो किशन पाल गुर्जर का नाम, सबके नाम थे, कोई नहीं आया। सभी सबको पता था हालात क्या है क्या नहीं है। अच्छा। यहाँ पर एक तरफ सिस्टम चल रहा है, बीजेपी में कम से कम ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं कि मैं तारीफ कर रही हूँ, बट ये सच्चाई है। बीजेपी में संगठन जिसको भी कहता कि वो जाता आके कैंपेनिंग के लिए, किसी भी तरह का कोई भी फैसला होता कि उसे माना जाता कि आप भी मानते हैं, ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है बीजेपी। ये बात तो ठीक है, मगर मैंने देखा तो नहीं जो इनका आदेश किसने माना। मैंने 5-6 सांसद गिना दिए, 3 केंद्र के मंत्री गिना दिए, वो मैदान में नहीं थे। अब हमारे कांग्रेस पार्टी 1-2 नेता अगर कहीं टूर पे गए, या फिर हुड्डा साहब के साथ जो विधायक है वो थे, या हुड्डा साहब के खेमे के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी पसंद के जो पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है वो थे, या उनके बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा थे। बड़े बड़े कट के नेता हरियाणा कांग्रेस के पास थे लेकिन नहीं पहुंचे थे, और ये हर बार होता है। मैं बार बार कहती हूँ, जींद को आप उठा कर देख लीजिए, बड़ौदा की बात कर लीजिए, इलाहाबाद की बात कर लीजिए, ये टांग खिंचाई लगातार चलती रहती है। चलिए उमेश भाटी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, बोले। मैं ज्योति जी अभी इनकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। साहब ने बात रखी कि ईडी के डर की वजह से विश्नोई जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया, लेकिन ईडी का डर क्या हुड्डा साहब को नहीं है क्या? ईडी का डर क्या राहुल और सोनिया को नहीं है क्या? राहुल को नहीं है, मतलब सब ये जेपी दलाल से हम बात कर रहे हैं, जेपी दलाल से हम बात कर रहे हैं, तो उनकी ओर से भी आ गया कि अगर ये डर है तो कल को इनके बड़े नेता भी आ जाएंगे। मुताला करेगा या शराब मुताला करेगा, उसको डर होता है मेरे साथी, जब उस आज को आज नहीं होता है। प्रभावित होकर जब जुड़ता है तो इनके पास एक ही बात कहने के लिए होते हैं, ये तो ईडी के डर की वजह से जा रहे हैं, तो ईडी का डर इनको है आपको नहीं है क्या? हुड्डा साहब को नहीं है, दीपेंद्र को नहीं है, इनको ईडी का डर नहीं है क्या? अगर ये सारे समर्पित हो जाते हैं, भाजपा ने क्या कर लिया? मान लेता था आप लोगों ने कर रखा है, धान घोटाला आपने कर रखा है, सरसों घोटाला आपने कर रखा है, मिट्टी घोटाला आपने कर रखा है, शराब घोटाला आपने कर रखा है। आप अपने हाल की समीक्षा की है, घोटाला का मुखिया आपका आपका नेता है, आप बात करते किसी और के ऊपर, आप अपनी बात कीजिए, आपने घोटाले पे घोटाले कर रखे ना, आप उनकी बात कीजिए, आप तो कहीं हो आप ना कोई 3-13 में ना आप तो कहीं ना चुनाव लड़ रहे हो ना आपने कोई चुनाव लड़ा, 3 बार इलेक्शन हो गए, 1 बार इलेक्शन में आपने चुनाव लड़ा। हमारा गठबंधन है क्या? गठबंधन है क्या? था गठबंधन है गठबंधन की बात सुनिए, आप तो यूज किया जा रहा है, आप गीत गाए जा रहे हो। आपको इतना डर जब है नहीं, आप चैनल पे खुल के बात कर रहे हैं और आपको कोई डर नहीं है, तो उनको कैसे हो जाएगा? आपको है जो घोटाला कर रहा था उसको है, घोटाले आपने करे, घोटाला आपने, शराब घोटाला आपने, बिस्तर घोटाला आपने, धान घोटाला आपने, सरसों घोटाला आपने, सारे महकमे आपके पास है, आप घोटाले के सरगना हो, सरगना मैं खुला तौर पर कह रहा हूँ। इस बात को मैं आपके हरियाणा न्यूज के चैनल पर बोल रहा हूँ, जितना भी घोटाले हुए हैं सब आपकी आप सभी दलों पर लगातार वार कर रहे हैं पैनल पर, लेकिन आप अपनी पार्टी को तो बताइए कि 3 बाय इलेक्शन 3 साल एक भी सीट पर आप लोगों के उम्मीदवार को टिकट नहीं था, एक भी उम्मीदवार आपकी पार्टी का नहीं था उस उम्मीदवार के पक्ष में। सुनिए कुलदीप बिश्नोई जब उनकी चर्चाएं थी कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे,
तो कहां जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, चर्चाएं थी इस तरह की। पत्रकार ने सवाल उनसे पूछ लिया कि क्या आप जेजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले दुष्यंत ये कह चुके थे कि अगर जेजेपी में आएंगे तो उनका स्वागत है। कुलदीप बिश्नोई ये जवाब देते हैं कि ऐसी छोटी मोटी पार्टियों पर मैं विचार नहीं करता। ये बयान देने वाले कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई के पक्ष में आप लोग कैंपेनिंग करते हैं, क्योंकि गठबंधन की मजबूरी रही होगी, लेकिन उसे लेकर आप लोग दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसमें जेजेपी का फायदा क्या हुआ फिर? उसमें क्या फायदा है जेजेपी का, आप ये बताएं। ज्योति जी, इससे आपको एक चीज तो समझ आ गई कि दुष्यंत जी का कितना बड़ा दिल है कि अच्छा, इन सब बातों के बावजूद तो ये गठबंधन की मजबूरी है, ये गठबंधन की मजबूरी है। हमने बातें बातें घुमा 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 कर करने कोई फायदा नहीं है, जानते हरियाणा वालों जानते हैं ये गठबंधन की मजबूरी है। आप लोग निकाय निकाय चुनाव को लेकर पहले कह दिया गया बीजेपी अलग लड़ेगी तो ठीक है, फिर गठबंधन की सुनिए 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 सर सुनिए, फिर कहा गया साथ लड़ेंगे गठबंधन में तो भी ठीक है। बजरंग दास जी आप रुकिए सर, आप बार बार बीच में नहीं बोलेंगे। उसके बाद क्या होते कि आप आदमपुर में फोटोज नहीं थे, चूंकि वहां पर आप लोग दिल्ली में मैराथन मीटिंग्स करते हैं 2 से 3 दिन। दिग्विजय चौटाला हरियाणा न्यूज पर जुड़ते हैं, उनकी ओर से कहा गया कि हम फैसला लेंगे, जबकि देखिए निशांत सिंह जा चुके थे नॉमिनेशन के लिए, उस वक्त तक भी आप लोगों की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई थी कि साथ में लड़ेंगे। जब की गई तो पहले के बयान का हवाला दे दिया गया कि अजय चौटाला पहले ही कह चुके हैं, जबकि उसके बाद तो मीटिंग्स हुई थी। तो मेरा सवाल इसीलिए आपसे पिछला ये रहा कि गठबंधन पर क्या असर होगा, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं कुलदीप बिश्नोई, ये मानसिकता रखते तो हैं, कम से कम बयान से तो लगा कि छोटी मोटी पार्टी जेजेपी है। और अगर भव्य बिश्नोई को जो चर्चाएं हैं, अगर उन्हें कोई और भी जिम्मेदारी दे दी जाती है तो चुनौतियां तो होंगी अजय चौटाला परिवार के लिए, जेजेपी के लिए आने वाले दिनों में। देखिए ज्योति जी, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि जिस तरीके से गठबंधन धर्म को हम लोग निभा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गठबंधन को निभा रही है, ये जो छोटी छोटी मोटी के बीच में जो बातें होती है ना, इन छोटी मोटी बातों को दरकिनार करने के बाद में वापस से जब गठबंधन धर्म पे आते हैं तो हमने बखूबी तरीके से, हो सकता है जो आपने बिल्कुल बात कही कि कुलदीप जी ने एक बात रखी थी कि मैं जेजेपी जैसी छोटी पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखिए उसी छोटी पार्टी के दुष्यंत चौटाला जी जब वहां पहुंचे और एकदम समीकरण बदल गया। खुद अभी राजनीतिक विश्लेषक ने एक बात रखी कि दुष्यंत जी ने जब अपने मन की बात कही और युवा नहीं, सोशल बहुत सारी जगह पर लोगों ने कहा कि लोहा गर्म है चोट मार दो, इस बयान को दूसरे मायनों में भी लिया गया इस बयान को। तो आप एक बात बताइए कि जब जीत में बदल गई तो आप छोटी पार्टी कहिए या कैसे भी कहिए, जीत दिलवाने में हमारा कहीं ना कहीं तो रोल है ही है, कहीं ना कहीं हमारा रोल है जीत दिलवाने में। तो हम पूरक बनते हैं भारतीय जनता पार्टी से मिलकर, दोनों पार्टी एक पूरक पार्टी बनके सरकार को बखूबी हरियाणा के अंदर चला रहे हैं। तो जो काम चल रहा है उतना ही मनोहर जी का और उतना ही दुष्यंत जी का, दोनों का मिलकर चल रहा है। और देखिए भाजपा यहाँ पर हमारे बड़े भाई के रोल में है और हम छोटे भाई के रोल में है। अच्छा। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें कहती है कि आप इलेक्शन लड़िए तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, और हमने बात भी रखी है कि आप हमें दीजिए, हम लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम लड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हमने उसी तरह के हिसाब से उनका साथ दिया और लास्ट आखिर तौर तक आखिर बार तक हमने साथ दिया। और इतनी सारी जो बातें थी सारे राजनीतिक मतभेद तो मान रहे स्वागत है, और स्वागत के साथ में हम लोगों ने साथ दिया पूरी तरीके से। दीपक जी, आप जेजेपी के लिहाज से कैसे देखेंगे उपचुनाव के परिणाम को? भव्य बिश्नोई है, हालांकि अभी इस तरह की चर्चाएं तो नहीं है, लेकिन खुद हमसे बातचीत में मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो कुलदीप बिश्नोई की ओर से कहा गया कि आदमपुर की जनता चाहती है कि भव्य को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाए। तो अगर मान लीजिए, हालांकि मैं एक बात और भी ऐड कर दूं कि सीएम की ओर से आज कहा गया कि इनकी जिम्मेदारियां होंगी कि आदमपुर का विकास कराएं, जब पत्रकारों ने पूछा कि इनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, तो अगर उन्हें कैबिनेट में भी शामिल कर लिया जाता है तो आप क्या मानते हैं? हिसार चूंकि वो जगह जहां अजय चौटाला परिवार भी राजनीति करता आया, के भजनलाल परिवार भी करता आया, के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, क्या असर आप देख रहे हैं गठबंधन पर भी और साथ ही चौटाला परिवार पर भी? देखिए चौटाला परिवार तो अभी क्या ही बोलें कि दो हिस्सों में बट चुका है। अजय सिंह चौटाला परिवार, हाँ अजय सिंह चौटाला परिवार का, ये तो दोनों पार्टियों को बैठ के डिसाइड करना है। हालांकि सरकार गठबंधन की है तो भव्य को कैबिनेट में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा इसमें फैसला तो दोनों मिलके ही करेंगे। एक तरफ नहीं, से तो फैसला आएगा, ये तो सीएम का फैसला है ना? नहीं, सीएम का फैसला आएगा तो सीएम अपनी टीम में किसे रखेंगे, बात तो करेंगे ना उनसे, तो इन सब चीजों के ऊपर तो चर्चा होगी। और इन चीजों का क्या परिणाम निकल के आएगा ये भी कोई इतना ज्यादा लग नहीं रहा, क्योंकि
पिछले 8 साल के काम पे तो मोहर लगी है सरकार ने, जनता ने सरकार के कामों पे मोहर लगाई है। कांग्रेस वाले मेरे भाई इतने अच्छे से बचाव कर रहे हैं, इनको ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से इनको एक व्यक्ति के अपनी पार्टी से बाहर जाते इनको बाहर से कैंडिडेट लाना पड़ गया, तो अपनी स्थिति के ऊपर भी देख लेते। इतनी अच्छी वकालत कर रहे हैं, जेपी यहाँ की राजनीति करते रहे हैं, जेपी को कैसे बाहर ही कहेंगे? नहीं, वो तो कलायत से थे ना, उनका वहां से आदमपुर से क्या लेना देना था? लोग कह रहे थे चुनाव में गया था कि हम अगर जयप्रकाश जी चुनाव जीतते हैं तो हमें यहाँ से पहले हिसार जाना पड़ेगा। हिसार से तीन बार एमपी चुनाव लड़ा। नहीं देखिए, यूं तो जयप्रकाश ने मैंने सवाल ही पूछा तो उनकी ओर से कहा गया यूं तो मदनलाल परिवार भी हिसार से नहीं है, बीजेपी का कहना है। 2009 में चुनाव लड़ा है, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई बजरंग दास जी भी, बजवंत जी भी कह रहे थे कि ये तो भजनलाल जी का घट रहा है, मार्जिन घट गया, मार्जिन कम हो गया। अपने थोड़ी सी चीजों का आकलन ढंग से करना पड़ेगा। अब बिल्ली सामने बैठे कबूतर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली भाग थोड़ी जाएगी, अपनी चीजों को देखना पड़ेगा। रजवंत जी कह रहे हैं कि पंचायती उम्मीदवार थे, अब पंचायत का फैसला तो हरियाणा में माना जाता है, फिर भाई वोट कहाँ चली गई, ये भी देखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को अपनी आकलन करना चाहिए और जो सरकार फैसला लेगी वो सरकार के हाथ में, उसका जो परिणाम होगा, चौटाला परिवार की स्थिति क्या होगी, जनता उस फैसले को किस प्रकार से लेती है, ये तो फिर अगला चुनाव ही बताएगा। सरकार का आईना तो चुनाव होता है, जब चुनाव होगा तब उसका फैसला पता चलेगा कि जो सरकार ने फैसले लिए वो लोगों ने स्वीकार करे या नहीं स्वीकार करे। भव्य को कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, ये सरकार का फैसला है तो उसका अगले चुनाव में पता चल जाएगा। रजन जी, मंथन करेंगे कभी आप लोग? जैन बाय इलेक्शन से लगातार हार की शुरुआत हुई, केवल 2019 में अलाहाबाद में जीते, बाय इलेक्शन में मार्जिन भी कम हो गया, उसके अलावा पार्टी के पास कुछ भी नहीं, चुनावी जीत के लिहाज से या विधानसभा में भागीदारी के लिहाज से, किसी भी लिहाज से क्या कोई मंथन करेंगे कि आखिर क्या किया जाए कि इनेलो के थोड़े अच्छे दिन आ पाए? नहीं, मंथन निश्चित तौर पर करेंगे। और आप एक चीज भी जरूर देखिए कि आदमपुर उपचुनाव हुआ उसके तुरंत बाद से चौधरी अभय सिंह चौटाला जिला परिषद के चुनाव में लग रहे हैं। तो ये आप ये कभी भी मत सोचिए कि इंडियन नेशनल का परिवार का जो पार्टी का जो वर्कर है वो घर बैठेगा, उसका कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहता है। और ये मंथन हमारा यही है कि क्या वजह रही कि हमारी वोटें कम आई। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, अभी आपने एक शब्द यूज किया कि मार्जिन का, इलाहाबाद में तो आपने ये कह दिया कि मार्जिन कम रहा, लेकिन आपने इलाहाबाद में ये नहीं सोचा कि इलाहाबाद में हमारी वोट बढ़ी है। यहाँ पर मार्जिन की बात करते हैं तब आप इस चीज के लिए चुप करा देते हैं। देखिए आप मेरे सवाल पर इस तरह से आप मेरे सवाल पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, मैंने तो शुरुआत ही इसी बात से की। लेकिन मैं आपको मार्जिन की बात कर रहा हूं, आप डिबेट में हैं तो लेकिन आप डिबेट को सुन भी रहे हैं। मैंने पहला सवाल भाटी साहब से यही पूछा कि मार्जिन कम हुआ, अब मैं आपसे तो आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल पूछूंगी, मार्जिन कम होने का सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगी? अब आप खुद डिसाइड करेंगे सर मैं क्या पूछूं जी। आपसे तो आपकी पार्टी से जुड़ी बात होगी, अब बीजेपी प्रवक्ता को जवाब देने के लिए बुलाया गया, आप अपने संगठन अपनी पार्टी को लेकर जवाब दें। मार्जिन तो कम हुआ ना, किसान आंदोलन को लेकर इस्तीफा दिया, कहा देश के एकमात्र नेता के विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी इतनी कड़ी टक्कर उन्हें मिली पारिवारिक सीट पर, उसके बाद आप कहते हैं कि ये सवाल क्यों? देखिए ज्योति जी, नहीं मैं आपको मैं बता देता हूँ, उस चीज में भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि इतनी कड़ी टक्कर मिली तो आप ये देखिए, पहले जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जब जीते थे उस समय का माहौल, वो आम चुनाव थे। और दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो उस समय सरकार थी, जेजेपी थी, जो चौधरी अजय सिंह चौटाला ये कहते थे कि अभय सिंह चौटाला मेरी वजह से जीत गए, अगर मैं प्रचार करने जाता तो वो नहीं जीतते। लेकिन उसके बावजूद सरकार जेजेपी गोपाल कांडा उनका एक अपना जो ये कहते थे कि हमारा भी यहाँ पे कोई वर्चस्व है, सारे सरकारी तंत्र होने के बावजूद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अगर जीत रहे तो एक बहुत बड़ी बात थी। और मैं अभी ये चीज कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी की जो 2019 में जो वोट बैंक आई थी, हम मानते हैं कि 2019 में हमारा वोट बैंक बहुत कम था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम बढ़ोतरी की है और हम उसी बढ़ोतरी को और आगे देखेंगे कहां पर कमी रही उस पर बढ़ोतरी करते करते आप लोग 4% पर भी नहीं आ पाए इस बार, चार प्रतिशत पर भी अगर इसी स्पीड से चलना है तो फिर आप लोग कई दशकों की सोच चुके हैं कि आप लोगों को विपक्ष में रहना है और हम बहुत सम्मानजनक स्थिति में नहीं। अगर आप इसको भी रफ्तार मान रहे हैं तो फिर मंथन की क्या जरूरत है? लेकिन हम और आगे मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। बजरंग दास जी जल्दी अंतिम कमेंट आपका। देखिए ज्योति जी, इस समय की स्थिति क्या है, 2024 चुनाव
अगला टारगेट सरकार का भी ये रहेगा, हमारा भी ये रहेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आमने सामने की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रहेगी। बीच में और कोई दूसरी तीसरा दल आपको नजर नहीं मिलेगा। जिस प्रकार आप पार्टी ने जो आका शोर किया, ये वोट का टू सिस्टम था। और कूड़ा राम नंबरदार जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी में 40 साल से रहे, वो उधार का मांगा हुआ कैंडिडेट इनेलो पार्टी लेके आई, उसके बावजूद भी दोनों का टुकड़ा साफ हो गया। इस अगली स्थिति 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जनता का मन बन चुका है, ये ठग बंधन, ये भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का जो। चलिए बजरंग दास जी, आखिरी कमेंट हुकुम सिंह भाटी जी आपसे। तीन बार 2 लाख मैं कुछ पूछूंगी भी आपसे, ठीक है दल साहब, आगे टाइम नहीं है सर, वायलेंस भी करना है। आखिरी कमेंट में बीजेपी से ले लो, इन्होंने 4 दिन उससे रहे, ये हमारी फोटो लगाए, एक तो आप सुनते नहीं है सर, आप सुनते नहीं है, सुनते नहीं आप बिल्कुल, जब जाके चुनाव प्रचार, ठीक है अभी बाकी दिन आए। ये भाटी साहब देखिए, सीएम के 8 साल के कार्यकाल पर उनकी छवि पर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पर मोहर लगी है, लेकिन ये मार्जिन ये जरूर कहता है कि भजनलाल परिवार को अब एक्टिव रहना होगा जनता के बीच, अगर आगे भी जीत हासिल करनी है तो। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि विपक्ष की जो शब्दावली, विपक्ष के जो शब्द आ रहे हैं, उससे ऐसे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इनको ये जो हार है वो पचनी नहीं है, इसलिए सबसे पहले विपक्ष को सच्चाई को अंगीकार करना पड़ेगा, ये इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, जीत जीत है, ये काम की जीत है, ये मुख्यमंत्री जी भाजपा जेजेपी की जीत है, उसमें तकलीफें काटना ये कोई अच्छी बात नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से विपक्ष को सीख लेनी चाहिए कि ये नहीं है कि उसकी तुम कभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, ये कामों की जीत है, ये भजनलाल परिवार का भी नाम है, वो उसकी भी जीत है। चलिए अभी ये दोनों पार्टियां गठबंधन की जीत है, और निश्चित तौर पर हम पुनः जो है आदमपुर की जनता को शुभकामनाएं देते हैं। चलिए सभी का शुक्रिया, आप सभी ने वक्त दिया, हरियाणा न्यूज के डिबेट में आप लोग आए। तो आदमपुर को लेकर, परिणाम को लेकर हमने चर्चा की, किस पार्टी पर, किस नेता पर क्या असर पड़ने वाला है, 2024 पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है इस परिणाम का। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।